स्टूडेंट्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ही ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में क्लास टेंथ की पोएम फायर एंड आइस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत से विचार हैं इस तरह के कि संसार का अंत कैसे होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड? आप भी ऐसा सोचते हैं कि संसार का एक दिन अंत होगा? एंड समडे, किसी खास दिन। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन? क्या आपने कभी ये सोचा है क्या होगा इफ़ द सन गॉट सो हॉट, सूरज इतना गर्म हो जाए दैट इट बर्स्ट, किए फट पड़े, और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, या इतना ठंडा हो जाए तो भी दुनिया का क्या होगा? आंसर देखते हैं। आई थिंक इट वुड एंड समडे। मैं भी ये सोचता हूँ कि एक दिन अंत तो ज़रूर होगा इस संसार का। येस आई हैव थॉट अबाउट इट। हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा ज़रूर है। इफ़ द सन गॉट हॉट, अगर सूरज गर्म हुआ, इट विल बर्न एवरीथिंग, ये हर चीज़ को जला देगा। इफ़ इट ग्रू कोल्डर, और अगर ये ठंडा हुआ, एवरीथिंग विल डाई, तो भी हर चीज़ जम जाएगी और मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हेयर आर सम आइडियाज। कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं, आपको ये डिफाइन करना है कि फायर क्या है और आइस क्या है। दो कैटेगरी हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वर्ड्स हैं ग्रीड, एवराइस, क्रुएलिटी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। कैटेगरी में आने वाले शब्द हैं ग्रीड, लालच, कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, एवराइस, धन लोलुपता, फ्यूरी, गुस्सा, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, लस्ट, वासना, रिजिडिटी, जड़ता और हेट्रेड, घृणा। जबकि आइस की कैटेगरी में आने वाले शब्द हैं इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, कोल्डनेस, ठंडापन, क्रुएलिटी, क्रूरता और इनडिफरेंस, उदासीनता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? किस तरह से इसकी लय बनी है, उसकी योजना क्या है? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम? और एक कविता में विरोधी भाव कैसे उजागर करती है? आंसर देखेंगे। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज द फर्स्ट स्टेंजा ए बी ए ए एंड द सेकेंड स्टेंजा इट इज सी डी सी डी सी। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज, ये उनको अलग करके विरोधी विचार लाने में सहायता करती हैं। बाय सेपरेटिंग देम, अलग करते हुए डिफरेंट आइडियाज सिंबलाइजिंग भिन्न प्रकार के विचार प्रतीक रूप में काम करते हैं। फायर एंड आइस आर गिवन डिफरेंट राइम स्कीम इन द स्टैंजास, और इसी वजह से आग और बर्फ प्रतीक देने वाले विभिन्न विचार इस स्टैंजा में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? कविता फायर एंड आइस में क्या विचार निहित है? द पोएट इक्वेट्स फायर एंड डिजायर एंड आइस विद हेट्रेड। कवि अग्नि की समानता इच्छा से करता है और बर्फ की समानता घृणा से करता है। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद इनॉर्मस स्पीड, दोनों तेज गति से बढ़ रहे हैं। इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग, यदि हम इन्हें बढ़ने से ना रोक पाए, द वर्ल्ड विल पेरिश, संसार नष्ट हो जाएगा। सो वी मस्ट रिस्ट्रेन आवर डिजायर्स एंड लव आवर फेलो बींग्स, इसलिए हमें अपनी इच्छाएं रोकनी चाहिए और अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना चाहिए। व्हाट मैसेज डज द पोएट वॉन्ट टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस? कवि फायर एंड आइस कविता द्वारा क्या संदेश देना चाहता है? मैन इज बाई नेचर सेल्फिश, आदमी स्वभाव से स्वार्थी है। ही इज फुल ऑफ एवराइस, वह धन लालच में है, लस्ट में कामुकता में है, इंडिफरेंस माने उदासीनता में है, और हेट्रेड मीन्स घृणा से भरा है। ही फॉरगेट्स हिज रियल आइडेंटिटी, वो अपनी वास्तविक पहचान भूल गया है। ही फेल्स टू कीप इन माइंड द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ डेथ, और वह ये बात भी भूल गया है कि मृत्यु तो निश्चित है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में फ्रॉस्ट कॉशंस द ह्यूमैनिटी दैट एंड इज इनविटेबल। फ्रॉस्ट
मानवता को बता रहा है कि अंत अवश्य आएगा, नन कैन बी स्पेयर्ड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ डेथ, और मौत के पंजे से कोई बच नहीं सकता। वो कहते हैं ना, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, संसार का अंत कैसे होगा के विषय में कविता ने कौन से दो विचारों का जिक्र किया है या उल्लेख किया है। विच आइडिया डज द पोएट सपोर्ट मोर, किस विचार को कवि अधिक महत्व दे रहा है। द टू आइडियाज़ मेंशन्ड आर दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, जिन दो विचारों का उल्लेख है, संसार का अंत या तो आग से होगा या बर्फ से होगा। दो द पोएट थिंग्स बोथ आर ग्रेट फॉर डिस्टिंक्शन, कवि के अनुसार दोनों विनाश के लिए पर्याप्त हैं। इट ही सीम्स टू फेवर द आइडियाज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इन फायर अ लिटिल मोर देन इन आइस, फिर भी कवि को लगता है विनाश के लिए अग्नि ज़्यादा खतरनाक है बजाय बर्फ के। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू फायर एंड आइस रिप्रेजेंट, कवि के अनुसार आग और बर्फ किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। डू यू अग्री विथ हिम, क्या आप उनसे सहमत हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड, अग्नि का इच्छा का अर्थ है इच्छा और बर्फ का अर्थ है घृणा, ये इन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आई डू अग्री विद द पोइट, मैं भी कवि के इन विचारों से सहमत हूँ। डिज़ायर्स लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली, जो इच्छाएँ हैं वो आग की तरह बहुत तेज़ी से फैलती हैं एंड एनगल्फ वंस होल लाइफ, और किसी की पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती हैं या उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। सिमिलरली हेट्रेड, उसी तरह से घृणा भी फिल्स द होल लाइफ विद पॉइजन, किसी की ज़िंदगी जहर से भर देती है। इट मेक्स वन हार्ड हार्टेड एंड क्रूअल, इससे व्यक्ति बहुत ही कठोर और निर्दयी हो जाता है। इट लीड्स टू इनटॉलरेंस, और इससे आदमी एक तरह से असहिष्णु हो जाता है, उसे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, फ्यूरी माने गुस्सेबाज हो जाता है एंड कॉन्फ्लिक्ट और विरोध को जन्म देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।